नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन सेंटर ऑफ इंडिया प्राचीन जड़ी बूटी विज्ञान चैनल में। हम बात कर रहे हैं दमा रोग, इस भयंकर बीमारी के रोग के बारे में जिसे आपने अभी अभी देखा। इससे लोग इतना परेशान हैं, ये हमारे समूचे भारतवर्ष में कम से कम 1 करोड़ लोगों की बीमारी है। इसमें छोटे बच्चों से लेकर बहुत ही नन्हे छोटे बच्चे और ऑफिस दफ्तरों में कार्यरत प्रोफेशनल जो नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, ठीक है, युवा लोग पढ़ाई करते हैं, गांव में किसान और गांव की महिलाएं, स्कूल कॉलेजों में पढ़ाने वाले टीचर्स और देसी विदेशी लोग, कोई भी इस बीमारी से परे नहीं है। सब लोग इस बीमारी से परेशान हैं और ये बहुत ही भयंकर बीमारी है जो कि प्रदूषित वातावरण और हमारे आजकल के रहन सहन खान पीन के कारण ये प्रकट हो रही है। अंग्रेजी दवाओं के अकॉर्डिंग तो इसका कोई इलाज है नहीं। लोगों को देखो, जहाँ जहाँ जैसे जैसे जिसने बताया, अंग्रेजी दवाएं ली, तंत्र मंत्र करवाए और जो जो जिसने जैसा बताया कि आपको वहाँ जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, वहाँ अस्थमा की बहुत अच्छी दवा मिलती है, मछली के अंदर आयुर्वेदिक जड़ी बूटी ला के दवा दी जाती है, जैसा जिसने समझाइश दी, जैसा जिसने बताया, लोग गए अपने घरों से मीलों दूर चल के, लोग इस बीमारी के खोज में निकल पड़े। लेकिन अभी भी लोगों को संतुष्टि नहीं है, यानी कि परिणाम अभी भी अच्छे नहीं निकले। मुल्लों से लेके हकीमों, झाड़ फूंक करने वाले, जो भी जो काला जादू जैसा भी जिसने बताया, लोगों ने वहाँ इलाज कराया लेकिन परिणाम अच्छे नहीं साबित हो रहे। ठीक है जी, मैं डॉक्टर मदन मोहन, MD आयुर्वेदा कॉलेज में कार्यरत, पिछले 2 साल से इस जड़ी बूटी पर काम कर रहा हूँ और दुनिया की सबसे उच्चतम शुद्धतम दवा का मैंने खोज की है, जो कि हमारे बहुत ही पौराणिक प्राचीनतम भारत में जो प्रक्रिया अपनाई जाती थी, जिसमें ऋषि मुनि जो भी हमारे वैद्य, ठीक है, हकीम, जिस तरह से अपना प्राचीन जड़ी बूटियों, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके दवा तैयार की जाते थे, बिल्कुल शुद्धतम तरीके से, इस तरह से घर पे दवा बनाकर अच्छे से रिजर्व करके रखते थे और लोगों का इलाज करते थे। जैसा कि मैंने अपने बताया कि पिछले वीडियो में हम भी उसी प्रक्रिया से, अपने प्राचीनतम भारत की प्रक्रिया से दवा आपके लिए तैयार करते हैं। इसमें ना कोई केमिकल की मिलावट होती है और ना ही हम किसी आधुनिक मशीन का उपयोग करते हैं। यह जैसे मैंने बताया था, इसमें बकरी का दूध मिलाकर और प्राचीन जड़ी बूटियों के मिश्रण से ये दवा तैयार की जाती है और सब दवा अपने हाथ से तैयार की जाती है। ना हर एक इंसान के लिए हम एक पैकेट तैयार करते हैं जिसमें 90 गोलियां होती हैं, ठीक है। बकरी के दूध में इसको मिक्स करके पूरी जड़ी बूटियों को आटे की तरह गूँथ के एक एक गोली अपने हाथ से घर पर ही तैयार करके हम लोगों तक पहुंचाते हैं। जैसा ये गोलियां आप देख रहे हैं, एक एक लोग के लिए ये ऑर्डर तैयार किए जाते हैं, ऑनलाइन ये ऑर्डर होते हैं, बाय कुरियर आपके घर पर पोस्ट ऑफिस से पहुंचा देते हैं। इस तरह से जो आप ये पैकेट देख रहे हैं, इसमें संपूर्ण 1 महीने की 90 गोलियां हैं, जिसे हम हर रोज़ एक एक गोली दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम, ये 3 गोलियाँ हैं, सुबह, दोपहर, शाम आपको लेना है। और ये 3 गोलियाँ आपको हर रोज़ लेनी है। पूरा कंप्लीट कोर्स 3 महीने का होता है। 3 महीने आप अगर ये कोर्स करते हैं, बिल्कुल आपकी ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। कुछ लोग का सवाल है कि सर ये आयुर्वेदिक हमने पहले लिए, आप देखिए, हम बहुत ही प्राचीन लोगों जिनको अच्छी तरह जड़ी बूटी का ज्ञान है, आयुर्वेद का भरपूर नॉलेज है, उनके पास जाके मिलते हैं। जहाँ आयुर्वेद की खेती की जाती है, वहाँ उस खेती में ये जड़ी बूटियाँ उगाई जाती हैं, वहीं से शुद्धतम जड़ी बूटी हम लेके आपको दवा बनाते हैं। अगर जड़ी बूटी सही होगी तो आप भी बिल्कुल ठीक होंगे, ठीक है। ये सवाल बिल्कुल भूल जाइए कि आपने आयुर्वेद में पहले लिया है, अगर दवा अच्छी होगी तो सही होगी।
कुछ लोग हैं हमारे साथ जिन्होंने हमारे दवा का उपयोग किया है, उनकी सुनिए। हमारा नाम किरण त्रिपाठी है और हमने कई जगह दवाइयां कराई और वहां कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं आया और हमें बहुत फायदा हुआ। सांस लेने में तकलीफ थी, खांसी में तकलीफ थी जी, और पेट में गैस बनती थी। हमको बहुत फायदा हुआ जी, बहुत ज्यादा छींक आती थी रात में जी, वो ठीक हो गई। हमारा 3 महीने करीब होने जा रहा है, 3 महीने होने जा रहा है। स्वास्थ्य भी अच्छा है और सब कुछ अच्छा है। ठीक है, सलाह देना चाहता हूँ जी जी जी, या सबसे कहना चाहता हूँ कि इसको उपयोग करें। 2 मंथ में आपको पूरा रिलीफ मिल चुका है, तो उसमें मुझे बड़ा फायदा हुआ 1 महीने। बस दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप भी अपने लिए ये दवा स्क्रीन पर लिखे नंबर पर ऑर्डर कर सकते हैं। और आप भरपूर सहमत हैं, संतुष्ट हैं और किसी गरीब की हेल्प करना चाहते हैं तो आप उनके लिए ये दवा डोनेट कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर है वहाँ कॉल करके आप उनके लिए डोनेट कर सकते हैं। किसी गरीब बच्चे की, किसी गरीब असहाय की जान आपके द्वारा बचाई जा सकती है, तो ये डोनेट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मैं मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।